सरकार का बजट बैलेंस और प्रोग्रेसिव है। किसी भी देश के विकास के को पंख लगाने के लिए बहुत जरूर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, दलित, शोषित, वंचितों को उठाने के लिए जो बजट के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं। और आज़ादी के इतिहास में पहली बार हेल्थ के ऊपर 137% की ग्रोथ के साथ 232,000 करोड़ रुपए का बजट, ये बताता है कि देश की लोगों की जान वो प्रधानमंत्री के दृष्टि में सबसे ऊपर है। जान रहेगी तो हम, ये जहान भी रहेगा और हम कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। तो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके देश में किस तरह से हम अलग अलग उत्पादों का निर्माण करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बना करके, और ख़ास करके एडिबल ऑयल्स में जो इंडोनेशिया मलेशिया से हम खरीदते थे पाम ऑयल आदि, उसमें उस पर भी ड्यूटी बढ़ा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इससे देश में आत्मनिर्भरता का एक नया दौर शुरू होगा। किसानों की को MSP 1.5 गुना दे करके उनकी भी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, और किसान आगे अपने डेयरी को साथ में जोड़ करके और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसके साथ में प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करके निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सभी दिशाओं से देश समुन्नत तो होगा, और भारत अमेरिका, जापान और चीन के मुकाबले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएगा। तमाम आर्थिक चुनौतियां सरकार के सामने रही, उसके बावजूद भी सरकार ने किसी का भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।